हेलो यूएस और कनाडा, आप लोग देख रहे हैं canamnews.com। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब अगली बार आप लॉकडाउन के बाद फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको COVID-19 इफेक्ट के कारण नए रूल्स का पालन करना पड़े। अब फ्लाइट में आपको मास्क पहनना मैंडेटरी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमेरिका और कनाडा की कौन सी एयरलाइंस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद एयर ट्रैवल के नए रूल्स लाने जा रही हैं। कनाडा और अमेरिका के अलावा दुनिया में एयर ट्रैवल को लेके क्या हो रहा है, लेकिन पहले बात अमेरिका और कनाडा की। अमेरिका की JetBlue एविएशन कंपनी ने घोषणा की है, चेक इन बोर्डिंग के दौरान सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा, यानी घर से जा रहे हैं तो मास्क लेकर चलें। वहीं अमेरिका की बड़ी मेजर एयरलाइंस अमेरिकन एयरलाइंस में भी फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हर फ्लाइट को इसके लिए सैनिटाइज किया जा रहा है। नया रूल ये होगा कि हर फ्लाइट अटेंडेंट को मास्क पहनना मैंडेटरी होगा। वहीं एक और प्रमुख एयरलाइंस कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी अनाउंसमेंट किया है कि मई की शुरुआत से फ्लाइट शुरू हो सकती हैं। सभी फ्लाइट अटेंडेंट को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अब बात कनाडा की। कनाडा में भी फ्लाइट में सफ़र करते हुए अब फेस पे मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मार्क गार्नू ने इस बात को पहले ही लागू कर दिया। कनाडा में यदि आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो आपको मुंह और नाक कवर करना होगा। कनाडा में ये नियम तो 12 अप्रैल से लागू हो गया है। बात कर लेते हैं दूसरे देशों की भी। पहले बात मलेशिया की। मलेशियन एयरलाइंस की बात करें तो यहाँ तो 23 अप्रैल से यह नियम लागू हो गया है, जिसमें बच्चों को भी मास्क पहनना अनिवार्य है। इसमें बकायदा एयरलाइंस की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें फ्लाइट में काम करने वाले क्रू भी शामिल हैं। एयरलाइंस ने यह तक कह दिया है कि अपने साथ 2 फेस मास्क लेकर चलें और इन्हें हर 4 घंटों के बाद बदल दें। कोरिया की प्रमुख एयरलाइंस कोरियन एयरलाइंस भी कोरोना वायरस के लिए यात्रियों के लिए कदम उठा रही है। इसके लिए उन्होंने इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई है। वहीं इस कंपनी ने अपने कैबिन क्रू को प्रोटेक्टिव क्लॉथ, चश्मे, मास्क और ग्लव्स देना शुरू किया। वैसे इस तरह की तैयारी इंडिया में भी चल रही है। इंडिया में आपको यदि एयर ट्रैवल करना है, फ्लाइट के जाने से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। वहीं आपके पास मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर होना ज़रूरी होगा। इस बारे में बकायदा CISF ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को प्लान बनाकर भेजा है। मतलब लॉकडाउन भला खुल जाए पर आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, खासतौर से तब जब आप एयर ट्रैवल करने जा रहे हों, क्योंकि नए एयर ट्रैवल के रूल्स आने वाले हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और कैनम न्यूज़ के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं।